अब वी नीड है जितनी पोलराइज है ना सोसाइटी मच्योर लोग बैठेंगे शायद कोई मुल्क का हल निकल आए तो ये बताएक उस रिजर्व सीट्स हाँ। हाँ। um, तो, भी नहीं कर रही थी, seats, तो नहीं इनको तो, तो प्लेट थी? में मिल गई नहीं, नहीं, नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप बता सकते ना आवाम को नहीं मेरी बात सुने अगर पीटीआई नहीं कर रही थी किसको जानी थी या तो ये किसी को भी ना मिलती सुनी ना, की भी कुछ बातें हो रही थी नहीं ठीक है सुनी तिहाद काउंसिल पोलिटिकल पार्टी उनको नहीं मिल सकती थी थिंक मुझे समझ लो ठीक right, या ये पी को मिलती या ये किसी को भी ना मिलती और पार्लियामेंट से बिल पास होके रूल लेजिस्लेशन होके हाउस छोटा कर दिया जाता ये नून लीग या पीपल्स पार्टी नहीं किसी भी तरह से ही वो डिजर्व नहीं करते आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फैसला आप लोग मुझे, हम, मुझे तो यकीन था मुझे हमसे पूछेंगे तो हमारा तो दिल कहता है कि वो सुबह बाहर आ जाए इमरान खान के बाद आपके यही कुछ रह जाएगा टिक टॉकिंग और ये और वो ये नॉन सीरियसनेस जो है ना जो आप देख रहे हैं इस तो वक्त इसके अलावा कुछ नहीं है निवाशिव साहब थे किसी दौर में उनकी पॉलिटिक्स थी वो ही हैज जस्ट लॉस्ट सो व्हाट अबाउट द करंट सीएम द फर्स्ट फीमेल सर्विंग एज अ सीएम मिस मरियम नवाज आप 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 वहीं पे आ जाएं उन्होंने पहला जब वो असेंबली में आई सबसे पहले अपनी मर्सिडीज के 4 करोड़ के टायर डलवाए वो कुछ, कुछ, कुछ काम किसी गरीब को दे सकते थी 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 पैसे कुछ कई मामला हल हो सकते थे ठीक है लेकिन आप लोग की भी हुकूमत जब चल रही थी तो कुछ ऐसे थे थे तो हमने अगर कोई गलत काम किया है तो क्या आने वाले ने भी यही कह दी क्योंकि आपने गलतियाँ की आपने नहीं तो नहीं हमने भी गलतियाँ होंगी बेशुमार देखें इंसान पूरी जिंदगी सीखता है अपनी गलतियों से मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क को तबाह होने से पहले कोई ना कोई तो अपनी गलती सीखे उनकी जो सी शिप चल रही है आप उसको किस तरह से रेट कर मैं आपको रेट करता हूँ इतना लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस है कि मेरे बुरे वाला के हर थाने में आप पैसा दे के पर्चा कटवा सकती हैं और पैसा दे के ख़ारिज करा सकती हैं ये मैं आपके इस प्रोग्राम के ऊपर कह रहा हूँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं क्योंकि पुलिस ने सी एम को ये आई साहब ने शायद ब्रीफिंग दी है कि आपके सारे पार्लियामेंटेरियन धांधली से जीते हैं तो आप इनकी बात पर तोज् ना दो अफसरशाही चल रही है

पुलिस के रवैये से सारे थके पड़े अच्छा, मतलब अब मुझे बताएं आप तो फिर सीएम एम साहिबा कहाँ पे थोड़ा सा तो गौर करें मुल्क मैं देखिए मैं अंडियो क्रिटिसाइज नहीं करूँगा खुदा न खास्ता मैं कोई नहीं होता उनके कपड़ों पे जूते पे ये मैं द बेल्ट बातें करने वाला बंदा नहीं हूँ मुझे मुझे जतीी तौर पे अच्छा पास्को में किसानों को रोल दिया सी एम साहिबा ने आपको पता है ना बोरियाँ किस तरह बिकी हैं सारे पास्को के स्टाफ ने बोरियाँ किसान इतनी इतनी बदवाएँ हाथ उठा के बदवाएं दे रहे हैं इनको मैं नहीं दे रहा आप सिर्फ हालात देखें कुछ कर लें चाहे मेरी मुखालिफ पार्टी की है लेकिन आवाम तो हम सब अच्छा आपको क्या लगता है क्या हो सकता है क्या होना चाहिए सबसे पहले तो आप लॉ एंड ऑर्डर ना अपनी पुलिस को कंट्रोल कर जब देखें मैं टैक्स दे रहा हूं अच्छा खासा दे रहा हूँ मैं अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ सोलर लगा के क्योंकि जो हुकूमत बिजली दे रही है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता पहली बात मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ा रहा हूँ

एलाइंस ऑफ द टू पार्टीज़ ये जी सब पॉइंट स्कोरिंग पॉइंट्स हैं सारे सब बकवास है बिल्कुल अंदर से एक हैं इकतदार के मज़े जो इस वक्त पीपल्स पार्टी इंजॉय कर रही है सदर उनका चेयरमैन सेनेट उनका गवर्नर पंजाब उनका क्या वो कभी सोच सकते थे पंजाब में तो उनके पास दो जी चार बंदे नहीं जीतते उनके यूसफ अजा गिलानी साहब बड़े मोहतरम में उनके सारे बच्चे जीत गए जिस तरह जीते वो हमें पता है तीन बेटे एम एल ए एक बेटा एम पी है वो तो पीपल्स पार्टी कभी इस गवर्नमेंट को आंखें दिखा सकती है कभी दिखा खुद तो मुझे ये तो बताएं तो कि तो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो मुस्लिम लीग नून से भी बहुत ये सब बातें हैं ना सिर्फ इस तरह कर रहे हैं कि जो गैप वोट बैंक का इकट्ठा हुआ है ना अगेंस्ट पी एम एल एन की हेट्रेड में किसी तरह ये थोड़ा सा पीपल्स पार्टी चाह रही कि हम कैश करा लें उनको एक वोट नहीं मिलना वोट जो है जिस बंदे का है वो जेल में पड़ा है। नौ तो उसी का है। नौ मई के हवाले से जो तीन केसेस में बेल रिजेक्ट हुई है तो आपको क्या लगता है कि नौ मई का जो फैसला भी पेंडिंग है क्या हो सकता है देखिए आप लोग आप क्योंकि अब तक तो उन्होंने इस वाकई की मुसम्मत भी नहीं की मिस्टर इमरान खान ने इमरान खान साहब का एक बड़ा सिंपल उनका ही पॉइंट आई कि मैं इन इन कस्टडी एट द मोमेंट अच्छा मेरी बात सुनिए मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ मेरा घर का चौकीदार है वो साथ वाले घर के किसी बंदे को खुदा न खासा छुरा मार दे मैं एक बात मैं कहाँ से गुनागार हो गया आप इसका जवाब दें मुझे मैं तो आपके पास इधर बैठा हूँ आपके पास एविडेंस है कि आज इतने बजे पाँच बजे सलमान तो मेरे साथ बैठे पोलिटिकल पार्टी के जो कुछ मेम्बर्स थे वो उन वीडियोस में नजर आए हैं तो उनको उनको तो आप आप उनके justify आ, that? नहीं नहीं आई वोंट जस्टिफाई दैट अदालत में उनका ट्रायल होगा ना जिस तरह एक स्टेट का एक रूल होता है उनका ट्रायल करें अगर कर जजेस समझते हैं कि उनका कसूर है तो उनको सजा मिल जाएगी अगर नहीं समझते बेलेबल तो वो वो तो कोर्ट्स को फाइल करने दें ना मतलब लेट देम डिसाइड डिसाइड आई एम नो वन टू अगर वो गिल्टी होते हैं वो अपनी सजा पाएंगे ठीक मैं तो ये कहता हूँ कि जो कोई बच्चा पैदा भी हो रहा है ना तो उसके कान में मजान देते हैं उसके साथ ही ना एक पेपर में ना मजम्मत ही उसका अंगूठा लगवा लेना नौ मई की मजम्मत करके दुनिया में मैं तो यहाँ तक कहना ठीक 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 चले मौजूदा हुकूमत के हालात तो आपके सामने है और अपोजिशन पार्टी से आपका ताल्लुक है तो ये बताएं जब हम अगले दो से तीन या चार माह देखते हैं और बाई द एंड ऑफ ट्वेंटी क्या स्टेटस होगा गवर्नमेंट का पाकिस्तान के कुछ हालात में तब्दीली आएगी देखें अगर तो यही हुकूमत रही अनफॉर्चुनेटली तो मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं लेकिन साल खत्म होने में सिर्फ चार महीने रह गए तो तो में में हम पहुंच गए करते, करते, ये नहीं कि आज हम पीटीआई गवर्नमेंट आ जाए तो अगले महीने आप पीटीआई को उसका मैंडेट वापस कर दें जो मैंडेट चोरी किया गया right. और उनको हमें निकाल जाएंगे या हम अपने ही